तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। और देखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा असली वाला रियल वाला क्वेश्चन पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना परीक्षाओं में, ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। लेकर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आना है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हो समय इसके लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहां से आप सब लोग इसको देख लें अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब देखिएगा, यहां से आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, प्रबंध का पहला कार्य है, तो देखिएगा नियोजन प्रबंध का पहला कार्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, अनौपचारिक संगठन का दोष है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा अस्थायी व अस्पष्ट होते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो देखिएगा भर्ती चयन पदोन्नति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना उपरोक्त सभी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत समता अंश और पूंजी है। उसके बाद में देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है, तो देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद में पैकेजिंग का उद्देश्य सुरक्षा सुविधा विज्ञापन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपको लिख लेना उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इस प्रकार का प्यार विद्यार्थी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाना है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। प्रबंध का नौकर है, तो देखिएगा प्रबंध किसका नौकर है, व्यवसाय का नौकर है। तो यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से इसको पूरा समझते चलना है। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे गए, आप सब लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियोजन प्रबंध का कार्य है, कैसा कार्य, प्राथमिक कार्य। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारार्पण सदैव की ओर किया जाता है, किधर किया जाता, नीचे की ओर किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, वेतन में कटौती एक प्रकार का है, कैसा क्या है, नकारात्मक अभिप्रेरण है, यहाँ से आपको लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन, नियंत्रण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समता अंशधारियों को कंपनी में का अधिकार होता है, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना मतदान। सातवां क्वेश्चन, जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वहाँ कहलाता है, तो देखिएगा उसको कहते हैं पूंजी बाजार। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो अच्छी प्रकार से, पूरा याद कर लो। उसके बाद में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सत्य सत्य बताना, जिसमें कि आपको, तो देखिएगा सत्य सत्य कैसे बताने आपको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। नीतियां नियमों से भिन्न नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। संगठन के नेतृत्व का होना आवश्यक नहीं है, असत्य होगा। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया, सत्य होगा। निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, असत्य हो जाएगा। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे और अच्छी प्रकार से इन सभी को समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को जोड़ी देख लेनी है। जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोपान श्रृंखला, सोपान श्रृंखला की जोड़ी का मिलान फेयोल से कर लेना है। विकेंद्रीकरण, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपके शीघ्र निर्णय से। चयन प्रक्रिया, इसकी जोड़ी मिल जाएगी संदर्भ जांच से। निर्देशन का भाग संप्रेषण पर। अभिप्रेरणा, इसकी जोड़ी मिल जाएगी मनोवैज्ञानिक से। बजट, इसकी जोड़ी मिल जाएगी पूर्वानुमान से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से इनको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख ले। प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, 1991 में। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, कार्य पर नियुक्ति। विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता, संप्रेषण कहलाता है। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, अंश पूंजी। उसके बाद में किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार से। क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क की श्रेणी में आते हैं, व्यक्तिगत विक्रय की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण है तो क्या व्यवस्था की गई, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लो इनको और अच्छे प्रकार से याद कर लोगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इधर आ जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को देख लें आप लोग। प्रबंध एक प्रक्रिया समझाइए, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग छठे नंबर के क्वेश्चन को देख लें। प्रबंध एक प्रक्रिया है, इसको समझाना आपको, तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें, प्रबंध एक प्रक्रिया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन 7वां, प्रबंध व प्रशासन में अंतर आपको बताना है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे प्रबंध और प्रशासन में अंतर पूछा है, तो देखिएगा इसका उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग इनको याद कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है सातवें के बाद में आठवां, निजीकरण से क्या आशय है। आठवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखिएगा निजीकरण का उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को याद कर लें आप लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नवा, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख तत्व क्या है। नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखिएगा इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा। आप सब लोग देख लें अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख तत्व क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है दसवें नंबर का, यहाँ से पढ़ लें नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया समझाइए। दसवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया समझाना है, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा ये मैंने यहाँ को आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस बता दिए। अब इसके बाद में ग्यारहवां क्वेश्चन पढ़ते हैं औपचारिक संगठन के दो दोष आपको बताने, तो देखिएगा औपचारिक संगठन के दो दोष ये लिखे हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिएगा बारहवां, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर आपको बताना है। बारहवां क्वेश्चन आपसे पूछा है तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें पूरा का पूरा, पहला ये लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा ये लिखा, सभी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छी प्रकार से इसको नोट कर लें। उसके बाद में देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बता दिए मैंने आपको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 नंबर तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में 13वां क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, पैकेजिंग के क्या कार्य है बताइए। तो देखिएगा पैकेजिंग के क्या कार्य होते हैं, 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा पैकेजिंग के कार्यों को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, पहला ये लिखा दूसरा लिखा है, तो पैकेजिंग के कार्यों को आप लोग नोट कर लें यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व को दो बिंदुओं में आपको बताना है। देखिएगा 14वां क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको, तो देखिएगा 14वें क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से, अनैतिक व्यापारिक, और दूसरा ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें पूरा। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा 15वां, उपभोक्ता को परिभाषा कीजिए, तो देखिएगा इसको उत्तर ये लिखा, ये वाला आप लोग यहाँ से देखें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे आप लोग इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिएगा 16वां, अभिप्रेरणा की विशेषता आपको बतानी है। 16वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अभिप्रेरणा की विशेषता बतानी है। तो देखिएगा अभिप्रेरणा की विशेषता क्या होगी, ये प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको अभिप्रेरणा की विशेषता दी गई है, पहली दूसरी तीसरी तीनों को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा 17वें नंबर का, नियंत्रण के उद्देश्य आपको बताने, काय के उद्देश्य बताने, नियंत्रण के। तो देखिएगा नियंत्रण के उद्देश्य क्या जाएंगे, यहाँ से आप लोग देख लें, पहला ये लिखा दूसरा ये लिखा है, ये नियंत्रण के उद्देश्य आपको दिए गए हैं, तो यहाँ तक आप लोग देख लें इसको पूरा और समझ लेंगे। और बाकी के लिखिए तीसरा चौथा पांचवा, तो यहां तक के सभी आप लोग देख लें इनको। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 18वां, वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों को बताइए। 18वां क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि आपको वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों को बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। पहला ये लिखा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो सभी उद्देश्यों को आप लोग यहाँ से देख लें इसको और अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। 19वें क्वेश्चन को हमें देखना है तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप लोग देख लें प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं, पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा और इसको पूरा समझ लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वें तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया, देख सकते हो ये 20वां, हेनरी पेयोल के संबंध में सिद्धांतों का संक्षेपण में वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा है तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग देख लें, ये इसका उत्तर लिखा है, हेनरी पेयोल के प्रबंध सिद्धांतों का संक्षेप में आपको वर्णन करना। पहला लिखा अनुशासन, दूसरा लिखा परिश्रम, तीसरा लिखा निर्देश की एकरूपता, चौथा केंद्रीकरण, पाँचवा व्यवस्था और छठा सहयोग। तो यहाँ तक के आप लोग नोट कर लें इनको। और उसके बाद में देखिएगा 21वां क्वेश्चन, नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा नियोजन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, यहाँ से आप लोग देख लें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां, ये सभी के सभी प्यार विद्यार्थियों आपको नियोजन के उद्देश्य दिए गए हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिएगा, भर्ती के आंतरिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसमें कि आपको भर्ती के आंतरिक स्रोत बताने, 22वें क्वेश्चन में। तो चलिए जल्दी से इसके आंसर को देखते हैं कि भर्ती के आंतरिक स्रोत क्या है। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत ये लिखे हैं, कर्मचारियों की प्रोन्नति, हस्तांतरण, और उसके बाद में देखिएगा वर्तमान कर्मचारियों द्वारा सिफारिश, भूतपूर्व कर्मचारी, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखिएगा लिखा तीसरे नंबर का 23वां, एक अच्छे ब्रांड की आवश्यक तत्व लिखिए। तो देखिएगा 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिएगा अच्छे ब्रांड की आवश्यक तत्व ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से क्या लिखा है। साधारण और सूक्ष्म होना चाहिए, सरल उच्चारण होना चाहिए, वस्तु के गुणों का प्रकटीकरण आकर्षित करने वाला हो, वस्तु के बारे में धोखे में डालने वाला ना हो, और असली ग्राहक की दृष्टि में ब्रांड असली नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो इसको और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझा दिया है। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।